और कल पहला शाही स्नान है, उसके पहले दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। ये खबर प्रयागराज से है, जहां पर इस बार दिव्य कुंभ मनाया जा रहा है। मेला प्रशासन के अफसर मौके पर मौजूद है और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रयागराज से बड़ी खबर, सैयद हुसैन अख्तर इस वक्त हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। सैयद, क्या अभी स्थिति है वहां पर? देखिए, आग विकराल रूप ले सकती थी क्योंकि दो सिलेंडरों में आग लगने की बात बताई जा रही है। हालांकि ये लीक हुई थी, गैस लीक हुई थी और उसके बाद चूंकि जाड़े की वजह से अलाव जलाए गए थे और उसके वहां तक गैस पहुंच गई थी और उसके बाद ही आग लग गई थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है और कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो ये एक राहत की बात है। हालांकि जरा भी अगर लापरवाही होती तो ये आग विकराल रूप ले सकती थी, लेकिन दमकल की गाड़ियां समय रहते पहुंच गई क्योंकि इंतजाम बेहतर किए गए हैं, रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम रहा है और यही वजह है कि कोई बड़ी घटना होने से बच गई। राहुल, यानी सिलेंडर लीक होने से ये पूरा हादसा हुआ है? जी हाँ, बताया यही गया है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि फिर भी मामले की जांच की जाएगी कि कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से ना हुई हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यही नजर आ रहा है, जैसा कि संतों का कहना है कि गैस लीक होने की वजह से आग लग गई थी और फिर उसके बाद आसपास कपड़ों और टेंट में आग लग गई, लेकिन समय रहते चूंकि इस पर काबू पा लिया गया इसलिए कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई है। और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, सैयद हुसैन अख्तर हमारे संवाददाता है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, सिलेंडर लीक होने की वजह से ये आग लगी थी लेकिन काबू पा लिया गया है। ये पता नहीं था कैसे आग लगी है, पूरा पंडाल जल गया। पूरा पंडाल जल गया, कुछ बचा कि अभी? बहुत लोगों का नुकसान बहुत हुआ, जैसे पहले लगा था वैसे वैसे चौगुना है। कितनी गाड़ी आ चुकी दमकल के समय? गाड़ियां कई तो हो लक्ष हो चुके हैं। हाँ, सेना भी आई यहाँ पे? सेना भी कहाँ, सैन्य अब आई है सेना। अपना नाम बताइए। हाँ, अपना नाम बताइए। हमारा नाम राम जन्मदास है। आइए आइए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, दिगंबर अखाड़े में भीषण आग लग गई, सिलेंडर लीक होने की वजह से ये आग लगी है। फिलहाल राहत की खबर ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है जल्द ही।